तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि क्रिकेट लाइव स्कोर कार्ड का CSS कैसे करें, तो मैंने उसमें कोडिंग करके बताया था कि आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, CSS समझ नहीं आ रहा है, कलर चेंज हो नहीं रहा है इस टाइम, कोई इसका अल्टरनेट तरीका निकालो जिससे मेरे कलर चेंज हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही तरीका बताने वाले हैं कि आप दूसरे तरीके से कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अपने लेकर चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों की डिमांड पर लेकर आए हैं वीडियो, तो भाई इतना तो बनता है। पर आज का वीडियो जो है धमाकेदार होगा, तो मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करनी होती हैं इसमें। मैंने पिछला वीडियो ट्यूटोरियल में बताया है कि कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक अच्छा इंटरफेस सामने जो दिख रहा है मेरे। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग देख सकते हैं वहां से। अब जैसे कि मेरे को ये वाला ब्राउज़र ऊपर ये चेंज करना है, ब्राउज़र नंबर 2 ये इसका कलर चेंज करना है। तो आप लोगों को सिंपल सा करना क्या है, ब्राउज़र 2 पर गए, जैसे जहाँ पर आपने लिंक पेस्ट करी है, फिर राइट क्लिक किया, यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, एक फ़िल्टर में ऐड करेंगे इफ़ेक्ट फ़िल्टर, ऊपर आइडियो फ़िल्टर, आइडियो फ़िल्टर से हमें कोई मतलब है नहीं, इफ़ेक्ट में जाना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है कलर करेक्शन, इसको हम इस इफ़ेक्ट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड कर लिया, कलर करेक्शन हो गया। अब आप लोग यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे गामा, कॉन्ट्रैक्ट, ब्राइटनेस, सिचुएशन, ह्यूज शिफ्ट, ओपेसिटी, मल्टीप्लाई कलर, चलो सबको करके दिखाते हैं। अपने आप से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है इसका कलर हल्का सा ग्रे हो गया है, मैंने गामा को बढ़ा दिया है, आप घटा बढ़ा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कलर। ये इससे आसान कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस कम कर दी है, कलर चेंज हो गया, हल्का बैंगनी हो गया है, हल्का सा जो भी है कलर है, ये सही लग रहा है ना, यहाँ पर हो गया। और ह्यूज शिफ्ट, आप लोग यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं हल्का फुल्का, ये सही लग रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन और है, जैसे कि यहाँ पर ओपेसिटी, ओपेसिटी इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग इसका कितना दिखाना चाहते हैं ओपेसिटी, जैसे कि इसके का पीछे का गेम भी दिखाना चाहते हैं तो आप गेम दिखा सकते हैं, पर ओपेसिटी फुल रखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कलर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर सिलेक्ट कलर पे जाएंगे, जैसे कि मुझे ये कलर सिलेक्ट करना है रेड, तो यहाँ पर मैंने रेड प्लस आइकन, यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया और ये रेड वाला सिलेक्ट हो गया, ओके करेंगे यहाँ पर, ये देखो जहाँ जहाँ वाइट था वहाँ वहाँ ये रेड हो गया है। आप लोग यहाँ से कलर, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आप लोगों को इसमें सही करने की। और ये 100% वर्क करेगा, आप लोग देख लेना। पिछला वीडियो जो था बोल रहे थे भाई लोग यार प्रॉब्लम कर रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। और कलर मैं वाइट ही कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये देखो कलर वाइट हो गया। और यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी, जैसे कि वाइट रेड कर लिया, प्लस वाइट की जगह पे हल्का जहाँ कलर आया, आप लोग देखिए यहाँ से आप लोग कलर करेक्शन कर सकते हैं। नीचे का भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र में गए फिल्टर, सॉरी कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ब्राउज़र जिसका कलर चेंज करना है आप लोगों को वहाँ पर जाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, इफेक्ट फिल्टर में गए, फिर क्रोमा की को रहने देते हैं, फिर प्लस पे आइकन पे जाते हैं और यहाँ पर कलर करेक्शन को ऐड कर लेते हैं। कलर करेक्शन ऐड करने के बाद हम
थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर मैंने गामा को बढ़ा लिया, गामा बढ़ गया, इसको कहीं दूसरी जगह रखते हैं, यहाँ सही है। और कॉन्ट्रैक्ट आप अपने अनुसार कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर सही लग रहा है। आप ब्राइटनेस इधर उधर कर सकते हैं, सैचुरेशन कर सकते हैं, चमक, ह्यूज शिफ्ट, आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, ओपेसिटी, मल्टीप्लाई कलर। और जैसे कि यहाँ पर फिर सिलेक्ट करते हैं, रेड कर लेते हैं इसको, ओके कर दिया, ये सही नहीं है, सफ़ेद ही सही रहेगा। अब मेरे को कलर चेंज करना है इसका, जैसे कि यहाँ पर कलर चेंज हो गया। आप लोग इसको ह्यू शिफ्ट को आगे पीछे करके कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। जितने भी आप लोगों ने ब्राउज़र ऐड किए हैं, ये ब्राउज़र, वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। भाई काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि OBS में भी ये ऑप्शन है कि कर सकते हैं आप। और तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन लाऊंगा। पिछले वीडियो में जो कमेंट किया था लोगों ने, तो उसका सलूशन मैं लाया। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी कि कहाँ से चेंज किया जाए 100% रिजल्ट मिले ताकि आप लोगों को, तो मुझे ये तरीका लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए।